बी कॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया <tries> में जहां पर आप सीखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है जिसको देख करके आप अपने एग्जाम में पचहत्तर में पचहत्तर अंक की तैयारी कर सकते हैं फिर चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चैनल के अंदर आपको विजिट करना है चैनल को टच करके प्ले का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर वीडियो होम ये सब आपको मिलेगा वहाँ पर आप चैनल में जाएंगे चैनल में जाएंगे तो, तो सॉरी प्ले में जाएंगे तो आपको मिलेगा बी फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बी कॉम बिजनेस मैथमेटिक्स वहां पर आप जाकर अपने अपने वीडियो देख सकते हैं चैप्टर से संबंधित और तैयारी कर सकते हैं नाम जो आपका चैप्टर है मूल्य इसमें एक तो होती है स्थाई किस पद्धति दूसरी होती है घटती किस पद्धति उसके बाद होती है वार्षिक वृत पद्धति फिर है बीमा पॉलिसी पद्धति ह्रास कोष पद्धति बहुत सारी पद्धति है स्थाई किस पद्धति पर वीडियो बन चुकी है घटती को क्रमागत बोलते हैं इस पर भी वीडियो बन चुकी है कोष पद्धति पर भी वीडियो बन चुकी है वार्षिक वृत्त का ये पहला वीडियो है ठीक है वार्षिक वृत्त इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि बाकी के जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे खास करके आपका घटती और स्थाई और कोष पद्धति ठीक है क्योंकि यहाँ से सिर्फ पंद्रह नंबर के एक क्वेश्चन आने वाले हैं कितने नंबर नंबर के नंबर के तो वहां पर आपका ये तीन टॉपिक क्लियर होना चाहिए अब इनको ना दिया जाए तो ऑप्शन में आपके पास आता है वार्षिक पद्धति ये उनसे छोटा है और थोड़ा सरल भी है बड़ा तब होता है जब काम ज्यादा हो मतलब वर्षों की संख्या अगर ज्यादा हो सिर्फ पांच तीन दो ये हो तब तो ठीक तो तो है छोटा है लेकिन अगर वर्ष दस या उससे अधिक हो जाए तब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ठीक है तो देखो वार्षिक वृद्धि प्रणाली होती क्या है ठीक है एनवाइटी मेथड इस प्रणाली में संपत्ति के मूल्य में ह्रास के अतिरिक्त उस ब्याज का भी प्रबंधन किया जाता है जिसे संपत्ति के मालिक द्वारा प्राप्त किया जाता है यदि धन को संपत्ति में लगाने के स्थान पर किसी अन्य जगह लगाया जाता तो लेखा करने की विधि ब्याज की राशि से प्रतिवर्ष संपत्ति खाता डेबिट तथा ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता है याद रखना है ब्याज की राशि से प्रति वर्ष संपत्ति खाता को डेबिट और ब्याज खाते को क्रेडिट किया जाता है वार्षिक ह्रास खाता, खाता क्रेडिट किया जाता है तो दोनों पर अलग अलग प्रकार की प्रविष्टि होती है याद रखिएगा प्रतिवर्ष एक ही रकम ह्रास की तरह काटी जाती है इस दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से यह प्रणाली स्थायी प्रभाग की तरह है क्योंकि इस प्रणाली में भी ह्रास की एक ही राशि प्रतिवर्ष निकाली जाती है इन दोनों प्रणालियों में अंतर यह है कि स्थायी प्रभाग प्रणाली में संपत्ति में लगाए गए मूल्य पर वाले ब्याज का लेखा नहीं किया जाता तथा ह्रास बिना इस ब्याज को ध्यान में रखे हुए संपत्ति के पुष्ट मूल्य पर निकाला जाता है यहाँ ह्रास की राशि संपत्ति में लगी हुई राशि के ब्याज भ्या, को ध्यान में रखकर वार्षिक और तालिका की मदद से निकाली जाती है ठीक है कुछ पंजीयृष पर इस तरह से हो सकती है अगर आवश्यक पंजी पंजीयृष्ठ दी जाए मतलब लिखने को कही जाए तो संपत्ति खाता विकलन ब्याज के खाते से <coughs> पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरे कंडीशन में ब्याज खाता विकलन लाभानी खाते से अच्छा ये उसी के साथ है फिर ये ह्रास खाता विकलन संपत्ति खाते से फिर लाभानी खाता विकलन खाते से ये कुछ कॉमन सी पंजीय पृष्ठी होती है जो आवश्यकता अनुसार हमें की जाती है ठीक है आगे इस बताया इस पद्धति से लाभ इस पद्धति से निम्न लाभ है इसमें संपत्ति संपत्ति के असल के संपत्ति के असल अतिरिक्त मूल्य पर निकलने वाले ब्याज का भी आयोजन किया जाता है ठीक है इसलिए यह पद्धति अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता है यह उन संपत्तियों के लिए अत्यंत अच्छी है जिनमें अधिक पूंजी लगानी पड़ती है जैसे लंबे पट्टे पर ली गई जमीन है ना जमीन ही ऐसी संपत्ति है जिसको लंबे समय के लिए ली जाती है कुछ कंपनी द्वारा जो लगभग बीस साल या उससे अधिक के लिए अपना व्यापार शुरू करती है इस पद्धति से हानि इस पद्धति से निम्नलिखित हानि है पहला यह पद्धति अव्यवहारिक है क्योंकि इस इसके अनुसार ह्रास का मूल्य प्रति वर्ष बराबर रहता है जबकि ब्याज प्रति वर्ष घटता जाता है अन्य पद्धति में इसका लाभ हानि खाते पर सब वर्षों में समान प्रभाव नहीं पड़ता पट्टे वाली संपत्ति को छोड़कर अन्य कम मूल्य वाली संपत्तियों के लिए यह प्रथा बिल्कुल अनुपयुक्त है है ना तो कुल मिलाकर के यह व्यवहार में नहीं है यह आपको समझना है अब प्रश्न कैसे होंगे ये यह आपको यहाँ पर पता चलेगा राइट हैंड साइड में ठीक है यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल वाला एक प्रश्न समझाया है जिसको देख करके ये एक अकेला प्रश्न काफी है वार्षिक वृत्त को समझाने के लिए ठीक है इस पूरे टॉपिक को यह क्वेश्चन कवर कर लेता है इसके बाद हमें क्रियात्मक प्रश्न भी देखेंगे जिससे आपको और हेल्पफुल हो जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के मैं हूं आपका एच डी एम सर यहाँ पर हमें पढ़ना है वार्षिक पद्धति का एक क्वेश्चन ठीक है अब देखिए <laughs> लगभग यहाँ पे दो पेज लगने वाले हैं चलिए तो प्रश्न क्या पहले उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है प्रश्न है मोतीलाल एंड सन ने एक पट्टा चौदह हजार रुपए में एक अप्रैल 2005 को दस वर्ष के लिए क्रय किया ठीक है देखिए समय लंबी है उसने पट्टे पर चौदह हजार रुपए में एक जमीन को लिया जिस पर वर्ष कितने हैं 10 वर्ष ठीक आगे वार्षिक वृत्त प्रणाली से ह्रास काटते हुए पट्टा खाता दस वर्ष के लिए बनाइए कितने वर्ष के लिए बनाइए बोला है दस वर्ष के लिए आगे यह भी प्रकट करिए कि लाभ हानि खाते में ह्रास और ब्याज किस प्रकार दिखाया जाएगा ठीक है तो उसके लिए एक अलग से खाते तैयार करना है वार्षिक वृत्त तालिका के आधार पर ₹1 को 10 वर्ष में 5 प्रतिशत ब्याज की वार्षिक प्रतिशत आधार पर हराशित राशि के लिए प्रति वर्ष जीरो पॉइंट वन टू नाइन फाइव जीरो फोर ह्रास के लिए काटना है ठीक है तो ये प्रश्न में बताना जरूरी है ये आपको वार्षिक वृत्त के हर प्रश्न में बताया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आप ह्रास निकालते हैं वो इस पर निकालते हैं तालिका के आधार पर ठीक है तो अब तक आपने ऐसा प्रश्न नहीं किया है नहीं समझा है नहीं देखा है तो ये आपके लिए बिल्कुल नया है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना तब आपको ये पद्धति समझ में आ जाएगी और बस आपके ये कुछ मिनट चंद मिनट अगर आपने आप यहां पर दे दिया तो आपको टॉपिक समझ में आएगा फिर इसके क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम में अगर ये आता है तो आपसे जरूर बनेगा और आपके पंद्रह नंबर बुक ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के सबसे पहले खाते का प्रारूप दिनांक विवरण राशि दिनांक विवरण राशि खाता पृष्ठ यहाँ नहीं होता तो उसको ऐड नहीं करना है ठीक है अब इसके बाद ह्रास कैसे निकलता है वो आपको जानना है ठीक है हिंड के लिए प्रश्न में यहाँ पर बता दिया गया है ठीक कि कैसे निकला मैं आपको समझाता हूँ पट्टे पल्ली की जमीन या संपत्ति का जो मूल्य होगा जैसे कि मूल्य है चौदह हजार ठीक है उसके बाद एक रुपये दस वर्ष के लिए जो बात कही गई है उसमें तालिका के आधार पर ह्रास की राशि बताई जाती है ना जीरो पॉइंट वो पॉइंट में ही होगा हमेशा उसी को इसमें मल्टीलाई मल्टीप्लाई करना है तो संपत्ति के लागत मूल्य में जितने में उसको खरीदा जा रहा है उसी मूल्य में मल्टीप्लाई करना ही है जो जीरो पॉइंट तालिका के अनुसार ह्रास काटने के लिए जो बताया जाता है पॉइंट वन टू नाइन फाइव जीरो फोर तब तो आपको ये आंसर मिल जाएगा ठीक है चलिए अब हमारा काम बस इतना है कि सिंपल से गुड़ा करना है ये गुड़ा करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं नहीं तो बेसिक पद्धति से गुड़ा कर सकते हैं ठीक है बेसिक पद्धति क्या है सिंपल सा तरीका ये है कि <clears throat> अगर हम इसका दशमलव हटा दें तो दशमलव हटाएंगे तो हम देखेंगे कितनी संख्या है ऊपर में एक दो तीन चार पाँच छः तो दशमलव हटेगा तो नीचे आपको छह जीरो लिखना है तो यह हुआ दो तीन चार पांच अब क्या करेंगे तीन जीरो से तीन जीरो हमें से काट सकते हैं ठीक है अब आपको पता चल गया चौदह का गुड़ा करना है इनके साथ तो वो हम अब कर सकते हैं क्योंकि छोटा हो गया ठीक है तो चौदह चौक छप्पन छप्पन की छ हाँ सिलाई पांच चौदह शून्य का पांच ठीक है चौदह पंच सत्तर की जीरो हासिल आई सात ठीक है अब चौदह निया एक सौ छब्बीस होता है एक सौ छब्बीस में अगर हम सात को जोड़ दें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सात है तेरह हासिल आई एक तीन एक सौ तैंतीस एक सौ तैतीस की तीन हासिल आई तेरह चौदह दूनिया अट्ठाइस अट्ठाईस में अगर हम तेरह को जोड़ दें तो आठ तीन ग्यारह हासिल आई एक चार चार की एक हाँसी लाई चार चौदह एकम चौदह चौदह में चार जोड़ेंगे तो ये सत्रह हो जाएगा नहीं 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 चौदह और चार अट्ठारह होते हैं कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पद्धति से गुणा हमने किया और हमारे पास अभी हजार बचे थे कि तीन जीरो बस काटे थे तीन जीरो और बचे थे तीन संख्या पहले आप क्या कर देंगे इसमें दशमलव लगा देंगे तीन संख्या पहले तो ये सिंपल तरीका है दशमलव हटा लो और अगर ऊपर में दस जीरो है तो उसको जीरो से जीरो जीरो से जीरो काट लो अगर कुछ जीरो बच गया नीचे में तो उसको रहने दो ऊपर ऊपर का आप कूड़ा कर लो आंसर जो भी आता है नीचे जितना जीरो बचेगा उतनी संख्या पहले आप क्या लगा सकते हैं पॉइंट तो यहां पर आप कह सकते हैं अठारह तेरा आपकी ह्रास की राशि है ठीक है

ठीक रोकड़ खाते से इंग्लिश में इसको टू कैश कहेंगे कितना रुपए में खरीदा चौदह हजार रुपये में ठीक है इस पर आपको पाँच परसेंट ब्याज लगाना है तो चौदह हजार का आप पाँच परसेंट निकालेंगे इस तरह से पाँच बट्टे सौ लिखेंगे परसेंट का मतलब बटे में सौ दो जीरो से दो जीरो कट गया पाँच सुनम शून्य चौक बीस हाँ से दो पाँच एक हम और दो सात सात सौ निकला तो यहाँ पर ये सात सौ रुपए लिखा गया ठीक चौदह हजार और सात सौ को जोड़ेंगे तो चौदह सात सौ होगा उसके बाद यहाँ पर अभी जो आपने निकाला अठारह तेरह उसको यहाँ लिखेंगे तो आपको लिखना है रोकड़ खाता से चौदह हजार, हजार सात सौ फिर उसी साल के लास्ट में आपको ब्याज देना होता है तो ब्याज से टू इंटरेस्ट अकाउंट इसका मतलब होता है ब्याज खाते से सात सौ रुपए कुल मिला के जोड़ेंगे तो चौदह हजार सात सौ होगा इसको ऐसे दोनों में बैलेंस करना है यहाँ पर आपको लिखना है इकतीस मार्च दो हजार छह को इस साल के बाद ना आपको लिखना है अठारह सौ तेरह रुपए हरास खाते को उसके बाद चौदह हजार सात सौ में इसको का, काट देना है तो जो चौदह हजार सात सौ रुपए आपका टोटल है उसमें से आप अठारह तेरह घटा देंगे तो दस में तीन जाएगा सात नौ में एक जाएगा आठ और छह में आठ नहीं जाएगा तो सोलह में आठ जाएगा तो आठ तीन में से एक जाएगा दो और एक का एक तो बारह सो सत्तासी ये आपका इस तरह से निकला आपको यही काम हर साल करना है क्या करना है जो भी शेष होगा उसको लाया गया लिखना है ठीक है इस पर आपको पांच परसेंट की दर से हरास ब्याज निकालना है उसको नीचे लिखना है यहाँ पर ह्रास करा से जो एक बार अठारह सौ तेरह निकली है उसको लिखते हुए बार बार चलना है और इन दोनों का टोटल करके इनको घटाना है ये आपका शेष लेकर निकलेगा फिर उनको लाना है फिर इसका पांच परसेंट लगाना है फिर हराश का अठारह सौ तेरह लिखना है दोनों को जोड़कर इसको घटाना है फिर ये शेष लेकर निकलेगा फिर इनको लाना है फिर इनका पांच परसेंट निकालेंगे यहाँ ब्याज खाते से लिखेंगे यहाँ शेष लाएगा यहाँ पर ब्याज खाते से हराज खाते को और फिर घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके तो ये आपका नौ हजार दो सौ तीन जो निकला ये आपका शेष लिखा है इसी इसी तरह से आपको बार बार कर करके कर कितनी बार तक बनाना है दस वर्षों तक बनाना है कितने वर्षों तक बनाना है दस वर्षों तक तो बस आपके पास समय अगर आपको बचाना है तो बस एक कैलकुलेटर लेकर के बैठो एग्जाम में भी आप लेकर के जा सकते हो छूट होता है ठीक है नहीं पता होगा तो चलो ताली बजाओ खुश हो जाओ आप एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके जा सकते हो ठीक है तो मौज ही आपका लेकिन कैलकुलेटर साधारण सा होना चाहिए एकदम इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन जैसा कुछ ना हो तो वो सब बैन है ठीक ओके <स्थ> तो ये काम आपको बार बार करना है रोकड़ खाते से ब्याज खाते से ह्रास खाता को शेष ले गए शेष शेष लाया गया ब्याज खाते से राज खाता को ले गए यही काम करते 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 आपको दस वर्ष कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आपका दस वर्ष कंप्लीट होता है अंतिम में आपका शेष लाया गया था सत्रह है न अगर इसका मैं फिर से पांच परसेंट निकालू तो मैं पहले तो कूड़ा कर लेता हूँ पांच सत्ते पैंतीस हासिल लाई तीन पांच दून दस तीन तेरह हासिल लाई एक पांच सत्य पैंतीस और एक छत्तीस में सौ है तो दो संख्या पहले लगा देंगे, तो है आपका आ, मतलब ब्याज की राशि इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, है? शेष लगाया गया ब्याज खाते से टोटल इतना अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा घटाने के लिए मतलब घटाने के लिए क्योंकि सत्रह में अगर छियासी का ब्याज जोड़ दिया जाए ठीक है तो तेरह आई एक आठ दस ग्यारह हासिल आई एक ये वही आ रहा है ना जो यहाँ पर है तो जब कुछ नहीं बचा तो वह शेष कुछ नहीं होगा यहीं पर आपका दस वर्ष में पूरी इसकी जीरो हो जाती वैल्यू ठीक अब चूंकि आपको ह्रास और लाभ हानि का अलग से स्टेटमेंट शो करना है मतलब ह्रास क्या क्या निकला उस पर ब्याज कितना कितना लगा इस अलग से स्पष्ट रूप से शो करना है तो आपको ये वाला खाता बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं लाभ हानि खाता ठीक है जहां पर आपको करना क्या होता है अब इसको मैं डिटेल से जूम करके बताता हूं हाँ उससे पहले इनको भी जूम करके दिखा दूँ कि ये बना कैसे है बच्चों ठीक है ये तो आपको स्पष्ट पता चल गया ठीक ऐसे ही जूम करके मैं इसको दिखा देता हूं ठीक चलिए देखिए सबसे पहले आपको लिखना है ह्रास खाते से ठीक रास खाते से 2006 में 31 तारीख को अठारह रुपए लगाया गया और इसके अपोजिट साइड में मतलब ये अगर डेबिट है तो क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है ब्याज खाते को सात सौ पहले साल का ब्याज कितना निकला था सात रुपए क्योंकि उस साल संपत्ति की लागत कितनी थी 14000 14000 का पांच परसेंट कितना निकला था बच्चों सात निकला था उसके बाद दूसरे साल कितना निकला वो आपको पीछे वाले अभी मैंने जो खाता समझाया वहां पर था उन सभी को आपको ध्यान से देख करके यहाँ ला करके लिखते जाना है तो पूरे दस वर्षों तक ह्रास की राशि नहीं बदली है तो वो अठारह सौ तेरह रहेगा जिसको आपको दस बार लाइन से क्या लिख लेना है सन बदल के दो हजार छह दो हजार सात दो हजार आठ दो हजार तक क्या लिखना है ह्रास खाते से 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 इंग्लिश में टू डिप्रिशिएशन टू डिशियशन टू डिप्रिशिएशन टू डिशियशन ये आपको दस बार लिख लेना है अब इधर हर दस मतलब हर एक साल में ब्याज की राशि अलग अलग थी तो वहां पर घटते जाती है वो तो पहले साल आपको सात सौ रुपया ब्याज देना पड़ा फिर आपका छह सौ चौवालीस रुपया हुआ फिर पांच सौ छियासी फिर पाँच सौ पच्चीस फिर चार सौ साठ फिर तीन सौ तिरानबे फिर तीन सौ इक्कीस फिर दो सौ सत्ताईस सैंतालीस एक सौ अड़सठ छियासी अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोल रहे हैं कि ये कहाँ से निकला तो भाई ये पीछे भी हमने जस्ट बनाया था हर साल जो शेष लाया गया संपत्ति का था काटने के बाद से उसी का हम पांच परसेंट निकालते थे शेष का तो ये सारे ब्याज आपको लाइन से वहां पर मिलेगा ठीक है तो आई होप रामायण खत्म होने वाली है अब, अब ये ना पूछें कि सीता और राम कौन थे ठीक तो इस तरह से यहाँ पर हमारे खाते कंप्लीट होते हैं बहुत ही सिंपल है एक तरफ पूरे साल का ह्रास दिखाना है लाइन से जो था दूसरी तरफ आपको सिर्फ ब्याज दिखाना है जो जितना था अब इतना अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं तो कहता हूँ आपके पंद्रह नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने सब कुछ सही लिखा जोड़ने घटाने में कोई गलती नहीं की तो आपको लग रहा होगा समझ में आ गया कितना सरल है ये हाँ ये इतना ही सरल है वार्षिक वृद्धि पद्धति काफ़ी सरल होती है अगर टर्म एंड कंडीशन ज़्यादा ना हो तो ठीक है तो आयोक आपने देखा वार्षिक वृद्ध प्रणाली बनती कैसी है तो ये एक डेमो था एग्जाम्पल के थ्रू जहाँ से आप समझ सके कि अगर आप थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल को देख करके समझने की कोशिश करें तो टॉपिक काफ़ी सरल होते हैं जो आपको भी समझ में आ सकते हैं बस आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से और समझना है ठीक अब देखिए बुक में अगर आप अपने क्रियात्मक प्रश्नों में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर तेईस से ठीक है क्वेश्चन नंबर तेईस से आपको मिलेगा वार्षिक वृत्त प्रणाली के क्वेश्चन ठीक तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेईस में है जहाँ पर बोला है कंपनी ने तीस वर्ष के पट्टे पर एक जमीन क्रय की और नौ लाख नब्बे हजार रुपए का एक भवन बनाया ठीक है पांच वार्षिक दर से एक टेबल पर इसको मत बनाना ये थोड़ा है है ठीक प्रथम तीन वर्षों का लाभ हानि खाता तैयार किया जाए बोला है लेकिन पट्टे को तीस वर्ष के लिए लिया गया इसको छोड़ देना ठीक ये वाला आप समझ सकते हैं मतलब बना सकते हैं वो भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है पर उसको छोड़ दो ठीक है इसको आपके कॉलेज में भी नहीं बनवाएंगे पर बनवा रहे होंगे तो अच्छी बात है, है? क्वेश्चन की, कि की दर से ब्याज लगाते हुए वार्षिक से ह्रास अवलिखित किए जाए एक रुपया वार्षिक तीन वर्ष के लिए ब्याज पांच परसेंट ब्याज पर जीरो पॉइंट थ्री सिक्स सेवन टू जीरो तीन वर्षों के लिए खाता बनाइए सिर्फ तीन वर्षों के लिए खाता बनाइए बोला है तो ये टॉपिक अब आपके लिए काफी सरल हो जाता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने दस वर्ष का तैयार किया था ठीक है कितने वर्ष का दस वर्ष का उसके मुकाबले मैं कहूँगा ये तो काफी सरल है आपके लिए अब देखिए बीस हज़ार रुपये संपत्ति का क्रय मूल्य है जिस पर जो हमें रास लगाना है वो है पॉइंट थ्री सिक्स सेवन टू ज़ीरो एट ठीक है यही है थ्री सिक्स सेवन टू ज़ीरो एट पॉइंट हटाना है तो मैं बोला गिन लो कितनी संख्या एक दो तीन चार पाँच छः संख्या तो नीचे में छः जीरो लिख दो ठीक यहाँ पर बीस हजार में चार जीरो है तो ये आपके लाइन से चार जीरो और इनके चार जीरो आप ऐसे काट लेंगे अब यहाँ पर सिर्फ दो है दो का मल्टीप्लाई कर दो तो जो आठ है वो आठ दूनी सोलह की छः हो जाएगा है ना रंग बदल देते हैं इसका ये ये छ हो गया अब सॉरी आठ दुनी सोलह की हाँसी लाइए तो दो सौ नाम सुने मतलब एक का एक दो दूनी चार सात दूनी चौदह की चार हाँसी लाई एक छः दूनी बारह और एक तेरह हाँसी लाई एक तीन दूनी छः और एक सात अब दो जीरो बचा है तो दो संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे तो सात हजार तीन सौ चवालीस सात हजार तीन सौ चवालीस ये आपका क्या निकल गया हराश की राशि निकल गई अब मैं आपको उसका सोलूशन दिखा देता हूं फिर वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे ठीक है तो ये यहाँ पर आप देखते हैं रोकड़ खाते से आपको बताना है कि आपकी जो संपत्ति है वो बीस हज़ार की है उस पर आप ब्याज निकालेंगे पाँच परसेंट तो बीस हज़ार का पाँच परसेंट एक हज़ार होता है तो ब्याज खाते से एक हज़ार रुपये ह्रास खाते को आपको लिखना है वही सात हज़ार तीन सौ चौवालीस रुपये जो निकला दोनों को जोड़ेंगे इक्कीस होगा इक्कीस में इसको घटा देंगे तो आपका शेष लेके निकलेगा तेरह हज़ार छः सौ छप्पन रुपये अगले साल शेष लाया गया लिखेंगे इस पर पाँच परसेंट निकालेंगे जो कि आपका ये निकला ठीक है आप कई बच्चों को नहीं निकालना आता होगा तो उनके लिए मैं बता देता हूँ तेरह हज़ार छः सौ छप्पन है पाँच परसेंट निकालना है बच्चों तो देख के आप पहले दस परसेंट निकालना सीखो दस परसेंट मतलब किसी भी संख्या के लास्ट अंक से पहले आप पॉइंट लगा दो तो ये उसका क्या होगा ये उसका दस परसेंट है अब मैंने पाँच परसेंट बोला तो देखो दस परसेंट निकालना सीख गए ना तो इसी का आधा कर दो पाँच परसेंट निकल गया आधा कैसे हैं देखो दो से भाग दो तेरह को तो दो छक्के बारह दो छक्के बारह एक बचेगा तो दो अट्ठे सोलह दो दूनी चार ठीक हासिल आई की एक अब ये दो अट्ठे सोलह होगा ठीक तो छः सौ बयासी रुपये आप देख सकते हैं निकला है दस हम लोग बाद पाँच छः से ज़्यादा हो तो उसको आप त्ररासी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर रुपए वाले को ध्यान देना पड़ता है पैसे वाले को छोड़ करके इसलिए ऐसा लिखा गया है ये ब्याज आपको निकला समझ में आया इन दोनों को जोड़ेंगे वही आपकी ह्रास की राशि जो एक बार है वही आपको लिखना है घटाना है इन दोनों के योग से ह्रास खाते को फिर शेष लेके आपका निकलेगा ऐसे करके तीन साल तक आपको बनाना है तो ये आपका तीन साल का बन गया पहले वर्ष दो हज़ार बारह का सॉरी बारह तेरह का फिर तेरह चौदह का फिर पंद्रह सोलह का ठीक है चौदह पंद्रह का जब ये आपका बन गया <coughs> तो इसके बाद आपको लाभ हानि खाता शो करना है इस पर तो सिंपल है तीन वर्ष का ह्रास वही रहेगा तीन वर्षों का ब्याज जो अलग अलग है ठीक बन गया तो बस मैंने बताया था ये क्वेश्चन काफी छोटा है पर छोटा कब है जब वर्षों की संख्या कम हो एग्जाम्पल शुरू में मैंने आपको समझाया था जब मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था ठीक है देखो ये छोटा है पर ये कितना बड़ा था ये जो अभी आपने बनाया क्यों बड़े थे क्योंकि दस वर्षों की संख्या थी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम बना है कोई अंतर नहीं है प्रश्नों में ठीक है रुपये मूल्य को छोड़ करके लेकिन तीन वर्ष था तो एक पेज में ही समाप्त हो गया लेकिन दस वर्ष होगा तो आपके चार पेज भी लग सकते हैं तो एग्जाम में इतने छोटे के तो चांस नहीं होते पर बड़े क्वेश्चन के चांस होते हैं तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बना करके देखना है ठीक है तो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक वार्षिक वृत्त प्रणाली है ना वार्षिक विधि जो थी वो यहीं पर समाप्त होती है वीडियो कैसा लगा मेरा समझाना आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है और क्वेश्चन बनाते रहिए एग्जाम की तैयारी करते रहिए थ्योरी भी पढ़ते रहिए क्योंकि अगर हर बच्चों से प्रैक्टिकल नहीं बनता तो आप थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकते हैं तो थ्योरी का पढ़ाई करते रहिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बाय बाय